सफलता के लिए कौन कौन सी जो क्रियाएं होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और कौन कौन सी क्रियाएं या कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, आज हम चर्चा इसी बारे में करेंगे। यदि आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लें और उसे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम इन फ्यूचर में या आगे जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो एक सक्सेस में होती है, सफलता में कौन कौन सी क्रिया निगेटिव होती हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव होते हैं। तो लाइफ में जो सक्सेस में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सक्सेस डिपेंड करता है प्रत्यक्ष परिवर्तन को। अब प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी होती हैं? प्रत्यक्ष परिवर्तन में अधिक सोचने की क्रिया गलत होती है, निगेटिव होती है। इसलिए जो सफलता के लिए अधिक सोचने की क्रिया निगेटिव होती है, ये आपको सक्सेस नहीं दिला सकते। सक्सेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन और प्योरिटी अर्थात मानसिक पवित्रता, जिसको कहते हैं कि प्योर एटमोस्फेयर, ये बहुत वैल्यूएबल होता है और बहुत ज़्यादा एक लाभदायक होता है। इसलिए क्योंकि ये जो होता है, एक जो पॉजिटिव एटमोस्फेयर होता है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन की पावर बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने से हम कोई भी वर्क करते हैं, किसी भी चीज़ पर हम अगर वर्क करते हैं तो वो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो रिजल्ट होता है वो मैक्सिमम रिजल्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। जैसे हम कहीं स्टडी करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्सेंट्रेशन, हम कोई भी बात को सोच नहीं रहे प्रेजेंट में। अगर हम इस टाइप की स्टडी करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कलेक्ट करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो जाता होगा और वही मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन से हमारी स्टडी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट होगी, अर्थात हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएंगे। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और प्योरिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट या प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए, इसलिए प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए क्या होता है कि आप सीखो और बस उसका विकास करो। पॉजिटिव सीखो पॉजिटिव विकास करो। जैसे मैं आपको एक स्टेबल एग्जांपल बताता हूँ, दिन में वर्क करना और रात को पूरे अच्छे तरीके से एक नींद लेना, ये एक सुटेबल एक एग्जांपल है जो सक्सेस को बताता है। जो किसी भी क्रिया होती है सक्सेस की, वो इसी के समरूप होती है। अब दिन में वर्क करो, पॉजिटिव वर्क करो और रात को बहुत अच्छे तरीके से सो, ताकि वो दिन की सांद्रता को पाले, फिर दोबारा वर्क करने के लिए क्षमता को पाले, शक्ति को पाले। इसीलिए क्या होता है कि